वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि मंडे को निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसको आप जाकर चेक कर सकते हो। सारे लाइव अपडेट्स आपको मार्केट के टाइम में मिलेंगे, तो डू चेक आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोग हमेशा की तरह कर ही देना। स्टार्ट करते हैं गाइस हम लोग निफ्टी के साथ। निफ्टी यहाँ पर एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है जो कि निफ्टी यहाँ पर तोड़ नहीं पा रहा है गाइस। तीन बार हो गया है, तीन डिफरेंट टाइम्स इट हैज फेस्ड अ रिजेक्शन, और ये लेवल अभी निकल कर आ रहा है 18,275 के आसपास, ठीक है, 275 का लेवल हम लोग मानते हैं। ये लेवल गाइस मार्केट जब तक नहीं तोड़ पाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट बुलिश नहीं होगा। बट द गुड थिंग इज कि मार्केट इज राइट नाउ ट्राई क्या कर रहा है मार्केट, इस लेवल को तोड़ने का। अच्छा, फ्राइडे को मार्केट ओपन हुआ और ओपन होके इसने नीचे के दो स्विंग्स लगाए और इस पर्टिकुलर सपोर्ट से इसने दो बार बाउंस लिया। अब दो बार बाउंस लिया, जो लेवल था हमारे पास वो था 18,140 का, ठीक है गाइस। ये जो लेवल यहां से निकल कर आया, ये लेवल पहले भी एक बार टेस्ट हो चुका है। अब हमारे पास सिंपल से दो लेवल हैं, बुलिश लेवल ये है एंड बियरिश लेवल हमारे पास ये निकल कर आ रहा है, ठीक है गाइस। मंडे के लिए हम लोगों ने सिर्फ क्या करना है, इन दो लेवल्स के टूटने का वेट करना है। कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं बता रहा, कोई बहुत इलॉजिकल बात भी नहीं बता रहा हूं। मार्केट का बायस दो डिफरेंट तरीकों पे इस वक्त चल रहा है। टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग मार्केट को बुलिश होना चाहिए। क्यों बुलिश होना चाहिए? क्योंकि एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट तीन बार टेस्ट करता है। अच्छा, अब आप इस चीज को खुद सोचकर देखो कि अगर ये एक लाइन को तीन बार टेस्ट कर चुका है और अब तक नहीं तोड़ पा रहा है, मतलब कि ये उसको तोड़ना चाहता है बट ड्यू टू सम रीजंस उसको नहीं तोड़ पा रहा है। जितने ज्यादा टेस्ट होते हैं किसी ट्रेंड लाइन के, किसी रेजिस्टेंस के, वो उतना वीक बनता जाता है। मतलब कि लाइकली जो केस सिनेरियो है वो ये होना चाहिए यहां से कि अब जब कभी भी चौथी बार हमको रिटेस्ट देखने के लिए मिलेगा, लाइकली केस ये है कि ये यहां से इसको तोड़ता हुआ ऊपर भाग जाएगा, ठीक है गाइस। अच्छा, नीचे भी इसने तीन टेस्ट ले लिए तो सेम केस नीचे भी अप्लाई होगा। तो जब कभी भी ये नेक्स्ट टाइम इसको नीचे रीटेस्ट करने के लिए जाएगा, लाइकली केस सिनेरियो ये है कि हमको ये नीचे की साइड पे भी टूटता हुआ दिख सकता है। तो हमारे पास क्लियर लेवल्स 18,140, 18,275 है। बुलिश टारगेट जो है हमारे पास वो 18,340 का आएगा, जो कि ऑलमोस्ट 65 पॉइंट है, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है ये। बट बियरिश साइड पे गाइस जो हमारे पास टारगेट आएगा वो आएगा 18,050 का, एक सेकेंड, 18,050 का, 18,050 का, ये हमारे पास बियरिश टारगेट आएगा, ये हमारे पास बुलिश टारगेट आएगा, ठीक है। ये 90 पॉइंट्स है, वो 65 पॉइंट्स है। एक और बहुत क्रूशल चीज है, वैसे मैं ज्यादा एस्ट्रोलॉजिकल बायस नहीं लेता हूं, बट जब कभी भी हमको रेट्रोगेड सिचुएशंस देखने को मिलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग वक्रीय बोलते हैं, रेट्रोगेड सिचुएशंस टेक्निकल एनालिस्ट भी उसको यूज करते हैं, एंड करंट रेट्रोगेड सिचुएशन के अकॉर्डिंग मार्केट को बियरिश होना चाहिए। टेक्निकल बायस बुलिश है, रेट्रोगेड बायस बियरिश है। दैट मींस कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ लेवल्स के ऊपर मंडे के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। एक और चीज, सिंस मार्केट यहां पर आकर एक ट्रिपल टॉप जैसा पैटर्न बना चुका है, मतलब कि अगर हम लोगों को 18,140 वाला लेवल टूटता हुआ दिखेगा तो हो सकता है कि जो फॉल हो वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो सकता है। ब्रेकआउट यहां से आपको डेफिनेटली ऑल टाइम हाई की तरफ ले जाएगा। मैंने आपको पहले भी बता रखा है 18,340 टूटेगा तो हमको नया ऑल टाइम हाई 20,000 के आसपास मिलना चाहिए, क्योंकि फिबोनाची के लेवल से वही टारगेट आ रहा है। बट ऑन द सेम नोट, अगर हमको यहां से नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो ये एक रिवर्सल पैटर्न होगा, एक रिवर्सल यहां से हम लोग को मार्क कर चुका है मार्केट, तो हम लोग को जो रिवर्सल होगा वो भी थोड़ा सा बड़ा दिख सकता है। ये बात आप लोगों को मंडे के लिए दिमाग में रखनी है। बट आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई रियली होप आप लोग को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। छोटा सा हम लोग एक टारगेट लेके चलते हैं, अभी हम लोग 2100 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज है। अगर इस वीडियो को 500 लोग भी देखते हैं गाइस, अगर आप में से 100 लोग भी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दोगे, इस वीडियो को लाइक कर दोगे, तो हम लोग 2200 सब्सक्राइबर्स की तरफ पहुंच जाएंगे। आई डू होप मैं 4 वीडियो अपलोड करूंगा,
चार वीडियोस से हम 2500 सब्सक्राइबर्स की तरफ पहुंच जाए, क्योंकि मैं अपना अपने दिन रात लगा देता हूँ कंटेंट क्रिएट करने में सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग की हेल्प हो पाए। और टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे मैं लाइव ट्रेड डालता हूँ जब कभी भी मार्केट मूव करता है। दैट्स फ्रॉम माय साइड गाइस, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट। ये बंद होगी यहाँ से।